जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेम कुमार। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मन में डाउट आ रहा है कि FFCGD का जो रीमेडिकल है वो कब तक होगा। अगर ये रीमेडिकल जल्द से जल्द नहीं होता है तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि रीमेडिकल जो है क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका कारण आपको पता ही है, कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं भी हमें जो है भीड़ भाड़ नहीं करना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना चाहिए। लेकिन क्या होगा, और साथ ही साथ क्या है, अभी ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से नहीं खुला, यानी ट्रेन वगैरह जो है पूरी तरीके से नहीं चल रहा। मान लीजिए हमारा मेडिकल लिया जाएगा कोलकाता में, तो हम फिर वहाँ कोलकाता कैसे जा पाएंगे जब तक वो ट्रांसपोर्ट चालू नहीं होगा। साथ ही साथ क्या है, मान लीजिए हम जाते हैं तो आपको पता ही हो कोरोना की स्थिति में क्या है कि किसी भी चीज़ को छूने से, अगर मान लीजिए कोई भी संक्रमित आदमी रहता है और मान लीजिए ट्रेन का किसी भी बोगी को या किसी भी लोहे का पदार्थ को छू देता है और उसे अगर मान लीजिए हम टच करते हैं, तो उसे भी हमें कोरोना होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर हम जाते हैं ट्रैवलिंग करके, अगर हम हो भगवान ना करे कहीं कोरोना हो गया, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा। तो उसके वजह से जो है अभी रीमेडिकल के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है। अब बात आता है कि मान लीजिए मेडिकल जल्द से जल्द नहीं होता है तो क्या नुकसान हमें हो सकता है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी कि पारा मेडिकल फोर्स के हिसाब से, अगर आपका मेडिकल एक साल के अंदर नहीं होता है तो आपको फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट दोबारा से देना होगा। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आज मेरा मेडिकल होता है, आज मेरा मेडिकल हुआ और मेरा जो मेडिकल में अनफिट कर दिया गया मुझे, तो क्या होगा, मुझे कितना दिन का टाइम मिलेगा, बस मात्र एक साल का। अगर एक साल के अंदर मैं मेडिकल नहीं लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या FFCGD की तरफ से, तो फिर क्या होगा, मुझे फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है। क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो बॉडी है कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, और साल भर के अंदर क्या है, जिस तरह से लोगों को घर में क्वारंटाइन किया जा रहा है या फिर लॉकडाउन किया गया है, तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड नहीं खुला हुआ है, हम रनिंग नहीं कर सकते, हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे क्योंकि हमें पैसे की कमी है। तो इससे क्या होगा, हमारा बॉडी भी वीक होगा, हमें कई प्रकार की बीमारियाँ हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है, हमारा वेट गेन हो सकता है। तो क्या होगा, जब हमें मेडिकल दे दिया जाएगा, हम मेडिकल के अंदर जाते हैं, तो मान लीजिए हो सकता है कि हमारा वेट अगर वहाँ पर चेकअप किया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ होगा हमें नुकसान, वहाँ होगा हमारा मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों का मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रेम भाई आपको कैसे पता है कि अगर मान लीजिए एक साल के अंदर में मेडिकल नहीं होता है तो हमारे फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि मेडिकल बुक में लिखा हुआ, यानी पारा मेडिकल के बुक में लिखा हुआ, अगर एक साल तक आपका मेडिकल नहीं होता है तो आपका जो फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो बता दूं, और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स, आपको ठीक है पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है कि मेडिकल के अंदर क्या क्या चीज़ चेकअप किया जाता है, कौन कौन चीज़ का आपके अंदर कमी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बता दूं कि ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो आपका है रूल बुक पेज नंबर 42 में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप जान सकते हैं कौन कौन सी बीमारी आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आँख में कितना आपका विजन होना चाहिए, या फिर नौकरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कितना का होना चाहिए। ये सारा डिटेल जो है आपका पारा मेडिकल के जो है रूल बुक के अंदर दिया गया है, तो वहाँ पर आप जाकर ये सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे आपको बचना है, सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, अपने बॉडी को जितना हो सके आप रनिंग करें, आप अच्छा खाना खाएं जिससे आपका जो बॉडी है वो ठीक रहे, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना रहे। साथ ही साथ क्या करना है, आपको कभी भी बाइक वगैरह स्पीड नहीं चलाना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आपका नाम जो है थाना वगैरह में नहीं जाना चाहिए। अगर थाना में भी जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको मेडिकल के अंदर भी के बाद जो है वो दिक्कत हो सकता है। तो आपने आपको बॉडी को सुरक्षित करना है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द मेडिकल हो, तो आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। जितने लोग रीमेडिकल के लिए हैं, लाखों लाखों लोग जो है रीमेडिकल मिला, तो आपको गवर्नमेंट को FFCGD को हैशटैग लगा के आपको उसको करना है कि सर जल्द से जल्द हमारा मेडिकल लीजिए। अगर हमारा मेडिकल जल्द से जल्द नहीं होता है तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि फिर से फुल बॉडी मेडिकल होगा, तो कई प्रकार का हमारे बॉडी में जो बीमारियाँ निकल सकता है, अगर वो बीमारी मिलेगा तो फिर क्या होगा, हमें डायरेक्टली अनफिट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि आप जैसे आप मेडिकल में गए होंगे, फर्स्ट मेडिकल में गए थे, तो वहाँ पर जैसे आपको मेडिकल अनफिट किया गया होगा, तो हमें रीमेडिकल दिया गया है। लेकिन क्या होगा, अगर जब हम अब रीमेडिकल में जाएंगे, अगर हमारा फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट होगा, तो आपको क्या लगता है कि आपके बॉडी में ऐसा है कि कोई भी बीमारी नहीं निकलेगा। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी जरूर निकल जाएगा, चाहे वो आँख का हो जाए, या भाई उसका नौकनीज हो जाए, या उसका पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या ब्लड के अंदर कुछ टेस्टिंग गलत निकल जाए, तो निकलेगा तो क्या होगा, फिर हमें रीमेडिकल भी नहीं मिलेगा।
तो समझ सकते हैं कि यार आपकी अनफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने बॉडी को फिट रखो, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो इस चीज़ के बारे में कि सर हमारा जो मेडिकल है वो जल्द से जल्द लीजिए। अगर हो सकता है गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि जहाँ भी जो बंदे का मेडिकल अनफिट किया गया, मान लीजिए मैं धनबाद में रहता हूँ, मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया गया है, तो हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मेडिकल ले लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। संक्रमण का जो खतरा है, जैसे अगर हम ट्रेन से नहीं जाते हैं तो हमें खतरा जो है बहुत कम से कम होगा, हम बाइक से ही अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी जाकर मेडिकल को दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट किसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो उसके लिए कब वो सोचे कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को ट्वीट करोगे, अपने विचारों को उनके सामने रखोगे कि हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा मेडिकल ले। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर जल्द से जल्द मेडिकल नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लीजिए FFGD का रीमेडिकल आता है तो क्या होगा, एक चीज़ और देखा गया है कि आपको क्या करना है, कोरोना का टेस्ट करवा कर जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया है कि क्योंकि देखिए उनका ऑफिसर वहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, मेडिकल का ऑफिसर बैठा हुआ है, तो यार मौत का डर तो हर एक इंसान को होता है। हम मान लीजिए घर में रह रहे, घूम रहे, फिर रहे, हो सकता है हमें संक्रमण हो चुका है, हमें कोरोना हो गया है, और आपको पता होगा कि कोरोना जो है सब पे नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे कोरोना हो गया है तो यार मेरा जो बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होगा, अगर मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा तो बीमारी को मेरे बॉडी के अंदर ही खत्म कर देगा। लेकिन जो उसका अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर उसका जो लक्षण होता है या इफेक्ट उसका टेस्टिंग करेंगे तो हमें दिख जाएगा। तो जो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, किसी प्रकार से हमें संक्रमण नहीं होना चाहिए, इसे बचना है, और आपको टेस्टिंग करवा के आपको जाना पड़ेगा। साथ ही साथ तो वहाँ के ऑफिसर ने भी ये बात कह चुका है कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोरोना का कोई भी असर दिखता है, मान लीजिए हम मेडिकल के अंदर जाते हैं, जाने के बाद क्या होगा, अगर आप देख रहे हैं कि आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आपको मेडिकल लेने नहीं दिया जाएगा, आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें अगर डाउट होता किसी के ऊपर भी कि भाई तुम्हें खांसी हो रहा है, फर्दी हो रहा है, आपको कोरोना है, तो वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो अपने आप को फिट रखो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा चीज़ खाओ जिससे क्या होगा आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, आपको बीमारी ना फैले, तो इस बात का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों बता दूं, आपको सुरक्षित इसलिए रहना है कि बता दूं कोरोना का जो टेस्टिंग जो मैं बताने वाला था कि कोरोना का जो टेस्टिंग है आपको खुद करवा के जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कभी भी आपको टेस्टिंग करवा के नहीं देने वाली है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट आता है, जो खर्च आता है वो 4,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक खर्च आता है, ठीक है, क्योंकि जो है उसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना खर्च उठाने वाली है। आपको पता है गवर्नमेंट बहुत कम से कम टेस्टिंग करवा रही है, बहुत सारे किट्स अभी निकल रहे हैं जो कि क्या है कन्फर्म होने के बाद ही आपको जो है कोरोना का टेस्टिंग करवाया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। मुझे लगता है कि आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और जैसे भी FFGD का कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। फाती फाता अगर आपका कोई भी सवाल होगा FFGD के बारे में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं इसके बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।